अमेठी की भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एसआरके डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर शहियार अली की जमानत भी कोर्ट में खारिज। हाई कोर्ट में भी हो चुकी है खारिज, भेजा जा रहा है जेल। एसआरके डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर शहियार अली कुछ दिनों पहले फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के अमेठी के सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी की थी। जो उन्होंने लिखा था वही एक प्रोफेसर को शोभा नहीं देता, जिसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। प्रोफेसर शहियार अली ने जमानत कोर्ट में अर्जी दी, यहां वह खारिज हो गई। हाईकोर्ट के लिए जमानत के लिए अर्जी डाली, वहां से भी खारिज हो गई। आज फिर उन्होंने जमानत के लिए डाला था फिरोजाबाद कोर्ट में, तो फिर उसे खारिज कर दिया है। अब न्यायालय द्वारा प्रोफेसर शहियार अली को जेल भेजा जा रहा है। किस तरह का पूरा मामला है? कुछ दिन पहले एसआर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है श्रीमान सेहरा अली साहब, उन्होंने मर्यादा को तार तार करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी थी जो इसे लिखने में एक प्रोफेसर जैसे व्यक्तित्व के लिए बहुत अक्षम्य अपराध था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेस के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, वो खारिज हुआ। उसके बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रेगुलर बेल उन्होंने लगाई थी और सरेंडर किया था माननीय न्यायालय का। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव फौजदार साहब ने बेल को ट्रांसफर किया और एफटीसी में श्रीमान अनुराग शर्मा साहब ने आज बेल को सुना था, जिस पर हम लोगों ने पैरवी की और उसमें बेल में आज इंटरिम को खारिज कर दिया गया। रेगुलर बेल के लिए अग्रिम तिथि नियत की है जिसमें सुनवाई होगी। आज शहरा अली जेल चली। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की थी, वहाँ से राहत नहीं मिली, किस तरह की? माननीय न्यायालय ने उसको उन्होंने जब आवेदन दिया था उस पर सुनवाई के दौरान ही उसे वापस ले लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ठीक, और आज वो जेल चले गए। वकील साहब, ये क्या मामला था प्रोफेसर साहब का, किस तरह से जेल गए? प्रोफेसर साहब को राजनीतिक दबाव के चलते उनके मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि उनके द्वारा ना तो कोई पोस्ट की गई थी ना ही कोई पोस्ट को शेयर किया गया। उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया जिसके खिलाफ हाईकोर्ट गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, और वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि आप विद इन 15 डेज माननीय न्यायालय में सरेंडर करें। उसके आदेश के अनुपालन में आज हमने कोर्ट का सम्मान रखते हुए उसमें सरेंडर किया है। उनके जमानत की अर्जी लगाई थी जिसमें 26 तारीख उसमें नियत होगी। कौन कौन सी धाराओं में? धारा 505(2) IPC व 67A IT Act के तहत ये मुकदमा दर्ज।